परवल की ये रेसिपी जो बनाएंगे तो चिकन मटन खाना भूल जाएंगे एकदम से। बिल्कुल रेस्टोरेंट पे जो खाते हैं बिल्कुल वैसा ही टेस्ट आने वाला है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो परवल को अच्छे से छील लेंगे। इसका जो छिलका उतारना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर सब्ज़ी बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। और इस तरीके से हम काट लेंगे और हर परवल में बीच से भी 3-4 बार हम इसे चीरा लगा देंगे। और अब हम इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक, और फिर हम डालेंगे हल्दी पाउडर, 1 चम्मच हम हल्दी पाउडर डालेंगे। और अब हम डालेंगे इसमें लाल मिर्च पाउडर, अपने स्वाद के हिसाब से अब लाल मिर्च पाउडर डालिए। और हम फिर डालेंगे 1 प्याज मैंने लिया था, और 3-4 कलियां मैंने लहसुन की ली थी, और उसका मैंने पेस्ट बना लिया है। और इसमें हम डाल देंगे 1 प्याज और 3-4 लहसुन की कलियां का पेस्ट हम इसमें डाल देंगे। और फिर इसे मैरिनेट करेंगे 10 से 15 मिनट के लिए। इसे हम मिला करके अच्छे से 10-15 मिनट के लिए रख देंगे। अब हम तेल गरम करेंगे, सरसों का तेल गरम करेंगे, और इसमें हम सारे परवल को तल लेंगे। इसका कल इस समय पे हम फ्लेम को मीडियम रखेंगे जिससे कि परवल पक भी जाए अच्छे से और फ्राई भी हो जाए। ये जो सब्ज़ी बनती है ना दोस्तों, बहुत ही अच्छी बनती है, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल सब्ज़ी बनके तैयार होती है जो बहुत ही अच्छी लगती है। तो एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। फिर क्या करेंगे, दोनों तरफ से हम इसे पलट के पका लेंगे। और ये परवल फ्राई हो चुका है। इसे आप ऐसे भी रोटी चपाती के साथ खा सकते हैं, ऐसे भी बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि लहसुन का और प्याज का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। और अब क्या करेंगे, एक बाउल लेंगे, इसमें हम डालेंगे 1 प्याज का और 3-4 के लहसुन के पेस्ट बना करके इसमें डालेंगे। और हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, स्वाद के हिसाब से नमक डालेंगे, मीट मसाला डालेंगे, हल्दी पाउडर डालेंगे, और सारे मसाले को डाल करके जो बेसिक मसाले होते हैं डाल देंगे और इसे मिला करके 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब हम लेंगे चने की दाल। चने की दाल को मैंने 3 से 4 घंटे के लिए भिगो के रखा हुआ था। इससे क्या होता है ना कि ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है, क्योंकि आज जो सब्ज़ी बनेगी वो कुकर में नहीं बनेगी, क्योंकि चने की दाल है तो कुकर में बिना डाले ये पकेगा नहीं। पर इसे अगर आप थोड़ा सा डाल देते हैं, 4 से 5 घंटे के लिए रखते हैं, तो फिर ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है, तो फिर आसानी से पक जाता है। और अब क्या करेंगे, हम कढ़ाई में फिर से डालेंगे सरसों का तेल। सरसों के तेल में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और अब हम इसमें डालेंगे जीरा, 1 चम्मच हम जीरा डालेंगे। और जीरा हल्का सा ब्राउन हो जाएगा तो हम 1 बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे, और फिर मैंने जो मसाला तैयार करके रखा हुआ था उसे हम डाल देंगे और मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे। तो कुल मिलाकर के जो मैंने इसमें प्याज डाला है, तो 3 मैंने प्याज डाला है, मीडियम साइज़ का 3 प्याज मैंने डाला है, 8 से 10 कलियां मैंने लहसुन की डाली है, और इसे हम मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे। और इसे अब आप इसका थोड़ा सा पानी लेकर के इसमें हम डाल देंगे और फिर इसे 5 से 10 मिनट के लिए भूनेंगे। तो 1/2 kg परवल में 3 से 4 प्याज डालिए, 8 से 10 कलियां लहसुन की डालिए। और अब हम डाल देंगे इसमें ये दाल, चने की दाल हम डाल देंगे, और इसे हम भूनेंगे मीडियम फ्लेम पर, 4 से 5 मिनट के लिए भूनेंगे, ज़्यादा नहीं भूनेंगे। ज़्यादा भूनने से क्या हो जाएगा, जो ये हल्का सा कड़ा हो जाएगा तो फिर ये पकने में इसे टाइम लग जाएगा, तो इसीलिए इसे हम ज़्यादा नहीं भूनेंगे। अब ये भून गया है, इसे बस 2 से 3 मिनट के लिए भून के इसमें हम पानी डाल देंगे। और पानी जब हल्का सा इसमें पानी में उबाल आ जाएगा तो फिर इसमें हम डाल देंगे जो मैंने फ्राई करके परवल को रखा हुआ था, इसे हम डाल देंगे और अच्छे से मिला लेंगे। वाओ, देखने में कितना टेस्टी लग रहा है ना दोस्तों, तो एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा, बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी लगेगी खाने में। तो इसे फिर क्या करेंगे, हम ढक देंगे और ढक करके 15 से 20 मिनट तक इसे मीडियम फ्लेम पर छोड़ देंगे। बहुत ही अच्छे से दाल पक जाता है। तो फिर अब हम चेक कर लेते हैं, तो दाल बहुत अच्छे से पक गया है और देखने में भी अच्छा लगता है, क्योंकि कुकर में डालेगा तो फिर वो गल जाता है, बहुत अच्छे से अच्छा देखने में नहीं लगता है, पर ये पक गया है और देखने में भी अच्छा लग रहा है।
तो सब्जी बनके तैयार है, तो हम गैस बंद कर देते हैं। और ये गर्मा गर्म चने की दाल और परवल की सब्जी बनके तैयार है, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है। उम्मीद है दोस्तों कि ये टेस्टी सी रेसिपी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।